फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं थॉरली फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो प्री डोमिनेंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स लोअर अमीन से स्टार्ट होकर हायर अमीन तक आप जब तक जाते हैं तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिवेल करती है स्टूडेंट्स आपके सामने एनाली का स्ट्रक्चर है और एनोलिन के स्ट्रक्चर में आपके सामने रिप्रेजेंटेड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और वो क्या करता है कि पार्शल नेगेटिवली चार्ज जो आपके पास हाइड्रोजन है उसको अट्रैक्ट करता है और एज रिजल्ट जो फोर्सेस जनरेट होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास नाइट्रोजिनस जो भी कंपाउंड होगा उसकी केस में नाइट्रोजिनस यानी कि आपके पास जो अमीन्स हैं लोअर अमीन्स केस में भी हायर अमीनस केस में भी जो भी जिस भी अमीन से आप काउंटर कर रहे हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जिस्टेंस की वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये अल्केन्स से ज़्यादा होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर अगर हम देखें स्टूडेंट्स इनका एस पी थ्री हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लोअर ग्रेड्स में के अंदर स्टूडेंट्स अमीन्स के अंदर जो आपका नाइट्रोजन एटम होता है वो एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड होता है बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ अल्काइल अमीन्स आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल वन जीरो एट डिग्री तक थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है यानी कि वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव से कम हो जाता है और स्टूडेंट्स ये लोन पेयर कम होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर जिसकी वजह से जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा कंप्रेस कर जाता है इट फॉर्म्स थ्री सिग्मा बॉन्ड विद एस पी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटोल वाइल फोर्थ नॉन बॉन्डिंग एसपी थ्री हाइब्रिड कैरीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ट्राई अमीन की जिसकी केस में अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे आर वन आर टू एंड देन आर थ्री तो so, स्टूडेंट्स इस केस में हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का तमाम अल्काइल ग्रुप्स के साथ एस पी थ्री एस पी थ्री ओवरलैप है और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अनशेयरड इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ज़ाहिर है जिससे आगे बॉन्डिंग होती है और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस हो जाता है उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि अगर नाइट्रोजन के साथ थ्री डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं तीनों डिफरेंट होने चाहिए तो ये आपके पास कंपाउंड प्लेन पोलराइज राइट को रोटेट करेगा यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकेगा ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अब चलते हैं हम प्रिपरेशन की तरफ कि आप कैसे अमाइन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के दो तरीके हैं एक तो ये कि आप अमोनिया का अल्काशन कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप रिडक्शन कर सकते हैं उन कंपाउंड्स की जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है यानी कि हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं अलकाशन ऑफ अमोनिया की तरफ स्टूडेंट्स आपके सामने एक जनरल रिएक्शन गिवन है रिएक्शन तब एंड होता है जब आपके पास क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट जनरेट होता है उस अमोनियम सॉल्ट का स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहा होता है आपका हेलाइड आयन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यानी कि अल्काइलेशन आप करेंगे अमोनिया की कैसे कि आपने अमोनिया को रिएक्ट करवा देना किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ जैसे कि स्पेसिफाई जब मैं कर रही हूँ एग्जांपल तो आपके सामने इथाइल आयोडाइड की एग्जाम्पल है इथाइल आयोडाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो एज अ रिज़ल्ट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है एक तरह का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है कि एमाइन ग्रुप जाके आयोडीन को रिप्लेस कर देता है और एज अ रिजल्ट आपके पास बन जाता है इथाइल इथाइलोमीन अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिएक्शन एंड नहीं होता यहाँ से स्टार्ट होता है इथाइल इथाइलोमीन बन गया इथाइल इथाइलोमीन दोबारा रिएक्ट करता है आपके पास इथाइल आयोडाइड से और दोबारा एक कंपाउंड जनरेट होता है इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड में दोबारा आपके लिए लिख लेती हूँ स्टूडेंट जो स्टेप नंबर वन था ये स्टेप नंबर टू लिखते हैं आपके पास स्टूडेंट्स ये जो इथाइल आयोडाइड है दोबारा रिएक्ट करेगा इथाइलोमीन के साथ सी टू एच फाइव एन एच टू और दोबारा जनरेट करेगा एन एच सी एच सी एच फाइव यानी आपके पास डाईलोमीन जनरेट हुआ अब यह डाइथाइलोमीन दोबारा रिएक्ट करेगा इथाइल आयोडाइड के साथ एंड एज अ रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा ट्राइथाइलोमीन अब ट्राइथाइलोम जनरेट किया स्टूडेंट्स जब तक ट्राईथाइलोमीन जनरेट कर रहा था आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर स्टिल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि ये दोबारा रिएक्ट कर सकता है आपके पास इथाइल आयोडाइड के साथ ये चीज़ दोबारा रिएक्ट करेगी इथाइल आयोडाइड के साथ मैं आपके लिए यहां लिख देती हूँ दोबारा रिएक्ट करेगी और एज अ रिजल्ट एक क्वाटनरी इथाइल अमोनियम आयन जनरेट होगा जिसके अंदर सी टू एच फाइव क्वार्टनरी इथाइन अमोनियम मतलब कि आपके पास इथाइल जो है वो फोर पार्ट्स में प्रेजेंट है एंड देन आपके पास एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा आपका हेलाइड आयन यानी कि आयोडाइड नेगेटिव चार्ज के साथ तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया क्वाटनरी इथाइल अमोनियम आयन अब ये रिएक्शन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है हेलाइड आयन की हो रही है बाय अमोनिया ऑफ अमीन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप ऑर्गेनिक लैब्स में ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे होते हैं तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो रहा होता है जब स्टूडेंट्स ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो मुख्तलिफ अमीज अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं या रिस्पेक्टिव सॉल्टस बना लेते हैं तो स्टूडेंट्स एट दी एंड आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू मुख्तलिफ जो अमीज है उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि हर एमाइन चाहे वो 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 आपके पास इथलमीन हो डाईथाइलमीन हो अमीन हो या क्वाटनरी अमोनियम आयन हो या आपके पास मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द रिपीट रिएक्शन प्रेजेंट होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अल्किली

एज अ रिजल्ट आपके पास साइनाइड ग्रुप बनता है अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो साइनाइड ग्रुप है इसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं रिडक्शन कर रहे होते हैं नाइट्राइल की इसकी स्टूडेंट्स हम रिडक्शन अगर करें रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हुए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ए एल एच फोर की प्रेजेंस में कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन में सी एच टू एंड देन एन एच टू इसी तरह स्टूडेंट्स आप कैटेलेटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं कैटेटिक रिडक्शन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं आप रानी निकल यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा आप रोडियम एलुमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं आप क्या करते हैं हाइड्रोजन ऐड करते हैं अक्रॉस इट्स ट्रिपल बॉन्ड वो कैसे सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स रिएक्शन है जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं मिथाइल साइनाइड मिथाइल साइनाइड को स्टूडेंट्स आप इस तरह भी बोल सकते हैं इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और ये होता है रोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ए एल टू ओ थ्री देन स्टूडेंट्स आपके पास जो कंपाउंड जनरेट होता है एज अ रिजल्ट वो आपके पास होता है सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू यह स्टूडेंट्स आपके पास कंपाउंड जनरेट हुआ उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकेंड रिएक्शन है वो कुछ ऐसे हैं कि उसमें आप बेंजाइल साइनाइड यूज कर रहे होते हैं बेंज़ाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है सी एच टू सी एन या आपके पास हो गया बेंजाइल नाइट्राइल अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन पर्टिकुलरली हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाइड्रोजनेशन का जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है टिपिकली 300 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा होता है हमारे पास और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये फिनाइल इथाइल अमीन में कन्वर्ट हो रहा होता है फिनाइल इथाइलमिन में फिनाइल इथाइलमिन में कैसे सी एच टू सी एच टू एंड देन एन एच टू यह मीन में कन्वर्ट हो गया तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स अब हम चलते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की तरफ स्टूडेंट्स जिन नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो दोनों आपके पास बेंजीन रिंग है यानी कि बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट है सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं नाइटोबेंजीन की तरफ नाइटोबेंजीन में स्टूडेंट्स नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है एन टू और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये रिडक्शन जो आपके पास हो रही है ये नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रही है यानी कि हाइड्रोजन अपनी अटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे रिएक्शन जिनमें नेसेंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहे होते हैं वो ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव एन्वायरमेंट्स में जनरेट किए जाते हैं यानी कि इसमें स्टूडेंट्स जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं उसमें आपने टिन को डाला हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर तो एज अ रिजल्ट आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है एज अ रिजल्ट होता है कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है एनलिन के अंदर देन स्टूडेंट सेकेंड रिएक्शन है आपके पास जिसके अंदर आप यूज कर रहे हैं नाइट्रो एनिल नाइट्रो एनिलीन है स्टूडेंट्स आपके पास इसको आप कह सकते हैं वन फोर वन फोर नाइट्रो एनिलीन आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास हो रहा होता है आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास डायमाइन बेंजीन जो है वो जनरेट होता है वन फोर डायमाइन बेंजीन तो ये हो गई स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कम्पाउंड नेक्स्ट मैथड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ़ नाइट्रोजन कंटेनिंग कम्पाउंड्स यानी कि रिडक्शन ऑफ़ एमाइड्स अब हम डिस्कस करने लगे स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑफ़ एमाइड्स के लिए भी वही प्रिंसिपल है जो हम यूज़ कर रहे थे बाकियों के लिए यानी कि आप एक रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लिथियम एलुमीनियम हाइड्राइड लिथियम एलूमिनियम हाइड्राइड स्टूडेंट्स यूज़ करते हुए हम कोई भी ले लेते हैं जनरल कंपाउंड ले लेते हैं सी एच टू सी एच टू देन स्टूडेंट्स एमाइड है आपके पास एन एच टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे स्टूडेंट्स तो अब आप डिफरेंस माइंड कीजिएगा ज़रा होगा ये कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में यहाँ पे रिडक्शन होगी आर सी एच टू सी एच टू ये कार्बोनिल कंपाउंड भी सी एच टू ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन एन एच टू यानी कि आपके पास एक प्राइमरी अमीन जनरेट हो जाता है यही रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर हम ब्रोमीन इन के ओ एच सोल्यूशन करें तो उसको हम कहते हैं हॉफ मैन डिग्रेडेशन अब स्टूडेंट्स हॉफ मैन डिग्रेडेशन के अंदर सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास एसीटामाइड की सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ देन एन एच टू ये स्टूडेंट्स एसिटामाइड की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ के ओ एच तो होता ये है कि आपके पास ये ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है एज अ रिजल्ट आपके पास अमीनोमिथेन जनरेट होता है बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बेंजामाइड करें बेंजामाइड यूज़ करें तो क्या होगा आप बेंजीन ड्रॉ करेंगे सी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ये आपके पास हो जाता है सी डबल बॉन्ड ओ या सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू और सेम कंडीशंस के अंदर इसका रिएक्शन होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और एज अ रिजल्ट यानी कि रिड्यूस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा सी एच टू एंड देन एन एच टू तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास बेनजायलमी उसके बाद स्टूडेंट्स रिएक्शंस डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि एमाइंस बेसिक क्यों हैं और इनका आपस में कंपेरिजन देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स बेसिसिटी की बात करते हैं कि एमाइंस बेसिस के तौर पर भी एक्ट करते हैं टूवर्ड्स एसिड और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये अल्कोहल्स और ईथर से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक या ज़्यादा बेसिक होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से अमायंस की बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है अगर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करें अमोनिया और मिथाइल अमीन की बेसिसिटी तो याद रखिएगा अमोनिया के लिए पी के बी की वैल्यू फ़ोर पॉइंट सेवन सिक्स है जबकि मिथाइल अमीन के लिए थ्री पॉइंट थ्री एट है जिसका मतलब ये है कि आपके पास मिथाइल अमीन की पी के बी वैल्यू क्योंकि ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ अमोनिया इट मीन्स कि ये ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ अमोनिया और वो क्यों स्टूडेंट्स वो इस वजह से क्योंकि आपके पास सोलूशन के अंदर जब अमोनियम आयन जनरेट होता है बिल्कुल इसी तरह आपके पास अमोनियम आयन जनरेट होता है इन द केस ऑफ मिथाइल अमीन आप अमोनिया और अमीन को कंपेयर कर सी एच थ्री एन एच थ्री पॉजिटिव स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि क्योंकि पी के बी वैल्यू कम है मिथाइल अमीन की इट मीन्स कि वो ज़्यादा बेसिक है ज़्यादा बेसिक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मिथाइल अमीन की ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके और वो टेंडेंसी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो भी कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं अपने पूरे मॉलिक्यूल की तरफ या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं अपने पूरे मॉलिक्यूल की तरफ ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टूडेंट्स प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ To that of others, और टर्सरी से कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन नहीं मतलब एक कंपैरिजन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंडरी अमीस ज़्यादा बेसिक हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी अमीन्स एंड प्राइमरी मीन्स इन टर्न ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टर्सरी मीन्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और देन एन एच टू स्टूडेंट्स सेकेंडरी अमीन इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस भी कम कम है steric hindrance है उसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ बोथ मिथाइल ग्रुप्स की वजह से इनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी प्राइमरी अमीन क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स प्राइमरी अमीन के केस में तो एक ही आपके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ज़्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे आपके पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर तो एज अ रिजल्ट ज़्यादा टेंडेंसी हो जाएगी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की और एज अ बेस ज़्यादा अच्छी तौर पर किया जा सकेगा लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि टर्शरी अमीन क्यों सबसे वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन तो स्टूडेंट्स उसकी मेन रीज़न रीज़न ये है कि आपके पास जो तो टर्शरी अमीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है यानी कि उसके हर साइड पे बल्कि अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बल्कि अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से जो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन है वो मुश्किल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी अमीन एंड प्राइमरी अन्स जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकेंडरी अमाइंस ज़्यादा बेसिक हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड टर्सरी अमीन्स यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस इज़ द मेन फैक्टर बिहाइंड द बेसिक नेचर ऑफ टर्शरी ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा कंपैरिजन आगे हम चलते हैं डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमीन को वन बाय वन थैंक यू